आज जिस मौके जब इकट्ठे हुए हैं, सिख कौम सिख पंथ की बहुत बड़ी हस्ती, सिख कौम की मान शान, सिख कौम का जिन्होंने दुनिया के अपने राज का सिक्का मनाया, जेड़े बहुत तकड़े जरनैल होए, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जिन्हों की बरसी मनाने वास्ते आप सारे इकट्ठे हुए हाँ और अपनी श्रद्धा के फुल फिट करने वास्ते आप इकट्ठे हो रहे हैं। किसी के मन में नहीं सी कि माता राजकोट के कुखों एक बच्चा जिन्हें 12 साल की उम्र के अंदर राजभाग संभालना है और बचपन के जिन्हों के पिता जी चढ़ाई कर जाते हैं और वो महाराजा जो आप बाणी के है कि राज करेगा खालसा वो राज करके दिखाया। 1795 तो 1835 तक लगभग 40 साल का जोड़ा राज दिल्ली तो लैके कश्मीर तक लाहौर तो लैके कंधर कंधार और काबल तक जमरोद तक पिशावर तक और 49 के करीब जड़िया जंग उन्होंने जीतिया हैं। उन्होंने सिर्फ सिख हुकमरानी नहीं की, उन्होंने हमेशा, मैं ये हमेशा कहना कि महाराजा रणजीत सिंह पूरे मनुखता का सरबराह सी, पूरे मनुखता का हुक्मरान सी, सिक्का मनाया। हुण मौजूदा हालातों के जो महाराजा रणजीत सिंह इतने बना के गया या ना, सिखा की इबादतगाहों का ख्याल रखिया नाल बादशाही मस्जिद जिहड़े मुस्लिम साइन खराब करना चाहते ने वह कुछ नैगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन मैं इतिहास महाराजा के नाल नाल एक निमाणे सिख भी सन जिन्हिया जिन्हिया अच्छी बिल्डिंगा वो भावें हिंदुस्तान के तरजलिया के आप अज इन्ने अरसे बाद भी इस शब्दों में असं उन्होंने याद कर रहे हैं जिथे महाराजा रणजीत सिंह ने हके हुक्मरानी की है। जो आए ने राणा साहब और एकजुट होकर दिन रात जो सा गुरदामा वास्ते सेवा निभा रहे हैं। रहायश की साढ़े को थोड़ी जी कमी है, उन्होंने राणा साहब और चेयरमैन साहब राणा साहब की खसूसियात ने उन्होंने बादशाही मस्जिद से वजीर का उस जमाने वजीफा मुकर्रर किया। सानू दुनिया जोड़े देश सन उतों आने वाले जो हुक्मराना ने साडे विरसे नूं बर्बाद किया, असी इंशाला उन्होंने संभाला होंगे। मैं ये जो अफगानिस्तान के बारे जरूर कहांगा क्योंकि उत्ते साढ़े जोड़े ने एक साढ़े भाई ने अफगानिस्तानी, लेकिन जिस तरह उन्होंने भी पाकिस्तान से जी हुकूमत और पाकिस्तान के जोड़े आवाम ने उन्हों की तरह एक इस विरसे की हिफाजत करनी चाहिए है। इन्हों का तमाम मुकदस मौका बाद दी और तमाम मुल्कों की ये साढ़े तो जिम्मेदारी है, इंशाला और असी करा। आओ तुम साढ़े अगे लगो, सानू तो दोए काम करने वाले ने सना सिंह जी साहब ने कहा जी 10 काम दसागे तो 4 होंगे, तुम 10 दसोगे तो असं 20 करा। और गुरु ग्रंथ साहब को असी अफगानिस्तान वाले को असी महफूज किया और महफूज किया, लेकिन असी नंबर होगा बस ना सुन मान ले।